महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना के 24 मरीज सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा बैठे क्योंकि वो कोरोना के साथ साथ सरकारी लापरवाही से भी लड़ रहे थे। आधे घंटे के लिए सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई और ऑक्सीजन बंद होते ही इन मरीजों की सांसें भी बंद हो गई। 5 दिन हो गया और रिकवर हो गई थी, अभी ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई, तड़प रही थी वो। जब ऑक्सीजन खत्म होने के बाद में बातचीत कर रहे थे हमारे सामने, हमने 4 बाटला लाए हुए थे, 4 बाटला देने के बावजूद भी लेकिन आजू बाजू का माहौल देख के वो पेशेंट की इतनी घबराहट हो गई कि उसने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन बंद होने की वजह थी मेडिकल ऑक्सीजन टैंक में हुई लीकेज। 21 अप्रैल को अस्पताल में लगे मेडिकल ऑक्सीजन टैंक में तकनीकी खराबी आ गई और गैस रिसाव होने लग गई, जिससे ऑक्सीजन के प्रेशर में कमी आ गई और ऑक्सीजन सपोर्ट पे चल रही मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। नासिक के इस जाकिर हुसैन अस्पताल में उस वक्त कुल 65 कोरोना मरीज भर्ती थे जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। इनमें से 11 महिलाओं और 11 पुरुष मरीजों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की मौत शाम होते होते हो गई। पर यह हादसा हुआ कैसे? अधिकारियों के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक का कॉक खराब हो गया था, जिससे ऑक्सीजन प्रेशर में कमी आ गई। हालांकि इस खराबी को आधे घंटे में ही ठीक कर दिया गया, लेकिन तब तक 24 मरीज दम तोड़ चुके थे। हैरानी की बात तो ये है कि जिस कंपनी ने यहाँ ये ऑक्सीजन टैंक लगाया था, उसकी तरफ से टैंक की देखरेख के लिए किसी भी टेक्निकल टीम को नहीं भेजा गया था। और ऐसे में ये घटना सरकारी लापरवाही का एक बड़ा ताजा सबूत है। गैस लीक की घटनाएं इससे पहले भी भारत में कई बार हो चुकी हैं और इससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर तबाही मचा चुकी है। फिर चाहे वो भोपाल गैस त्रासदी हो या फिर विशाखापट्टनम गैस रिसाव या फिर वाइजेड गैस रिसाव। इसके अलावा महाराष्ट्र के तारापुर में भी मई 2020 में रासायनिक गैस रिसाव हुआ था, लेकिन इतनी घटनाओं के बावजूद भी ऐसा लगता है मानो कोई सबक नहीं लिया गया। नॉक को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक और ट्विटर पर भी द नॉक को फॉलो करें।